بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم नाजीन कराम मुबारक का महीना अल्लाह हजल जलाल की रहमतों को समेटने का महीना है अल्लाह अल-जलाल की रहमतों को समेटने के अस्बाब में से एक मुहिम सबब ये है रिश्तेदारों से अच्छा सलूक कीजिए सिला रहमी कीजिए सिला रहमी क्या है और इसके फवायद समरात क्या है आज की हमारी गुफ्तगु का महवर यही दो नुकते हैं सिला रहमी ये नहीं है कि जो आपसे अच्छा सलूक करे आप भी अच्छा सलूक करे नहीं नहीं। वो लकवासलूतर हूं कोई तुमसे तोड़ना चाहता है तो तुम रब की रजा के लिए उससे तल्लुक जोड़ो सिला रहमी कौन कौन से फवाद और समरात سميتني دیتی ہے الله کی اطاعت إنسان اختیار کرتا ہے الذين يصلون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء जो लोग उन रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं जिनको जोड़ने का अब तला ने हुक्म दिया और अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब से डरते हैं ये वही लोग हैं जो रिश्तेदारियों को जोड़ते हैं अल्लाह की ताद के साथ साथ आखिरत के दिन पर ईमान उसका ही होता है अल्लाह पर ईमान उसका होता है रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करता है कैन जिसका अल्लाह और आखिर पर ईमान है उसे चाहिए कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे रहमी करना रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करना ये तो इंसान की उम्र और रिस्क में बरकत का बायस है मैन अहद सल्हु फिर

फ़रमाया रसूल सल्हस ने तो मैं तसलू नबी अरह अपने नसब नामे सीखो ताकि तुम रिश्तेदारियों को जोड़ सको बल्कि रिश्तेदारियों से अच्छा बल्कि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने से तो इंसान बुरी मौत से बचता है

सबसे बेहतरीन और महबूब अमल कौन सा है सबसे महबूब अमल कौन सा है आपने फरमाया अल अलमान अल्लाह पर ईमान लाना। रावी कहते कुल तुम्ह फिर कौन सा तो अल्लाह के प्यारे पैगम्बन ने ये रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना ये अफदुल तरीन अमल भी है

हिफाजत करिए साथ दे देते हैं एक आदमी अल्लाह की रसूल वसल्लम के पास आया कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी जोड़ता हूँ और तोड़ते हैं मैं हिल्म बुरदबारी से पेश आता हूँ वो जहालत से पेश आते हैं मैं उनके साथ अच्छाई करता हूँ वो जिदालत बरतते हैं फरमाया मैं कुल तक मैं तो सिर्फ हूँ

तो जन्नत का बायस है एक शख्स ने आके आप वसल्लम की सवारी की मुहार पकड़ी और कहने लगा मुझे ऐसा अमल बताइए जिससे मैं जन्नत चला जाऊं आपने फरमाया अल्लाह की इबादत करना नमाज पढ़ना जक़ात देना और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना दा अब मेरी ऊँटनी को छोड़ दो अल्लाह जलाल से दुआ है रिश्ते रिश्ते उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की तोफ़ी कथा फरमाए इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इकराय इस्लामिक गाइड को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आईदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसू होता रहे आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं